जी मैं नामला से बिलोंग करता हूँ। तो आप बताइए, जो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने टूर्नामेंट किया है वॉलीबॉल का, आज इसका फाइनल होने वाला है, उसके बारे में बताइए। जी हाँ, मैं दोनों टीम के बारे में, पहले भी यहाँ पे बहुत सारे मैच खेले गए फाइनल, तो कटक का मुकाबला है, दोनों टीम स्ट्रांग है 50-50%। सबसे पहले हम इंडिया आर्मी का शुक्र ये अदा करना चाहते हैं, हमें इंडिया आर्मी ने इतने यहाँ पीछे जाते हैं उनसे दूर रखे, हमें टीम को यहाँ पे लाया और इंडिया आर्मी का जितना शुक्र किया जाता है उतना काम है। भाई आप कहाँ से? हाँ मैं नामला से हूँ। आपका यहाँ मैच है आज? हाँ आज मैच है यहाँ पर। क्या लगता है जो आज मैच आपका है बोनियर के साथ फाइनल है, इसके बारे में बताइए कि क्या लगता है मुकाबला कैसा होगा? देखिए आज तक यहाँ पर नामला और बोनियर के बीच में बहुत फाइनल हुए हैं पहले भी, तो दोनों टीमें जो हैं वो टफ है, हमेशा टक्कर का मुकाबला होता है। अब जो अच्छा खेलेगी वही टीम जो है वो जीतेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि हमेशा यहाँ पर जो भी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं लास्ट पे जो है नामला और बोनियर की टीम जो है दोनों टफ टीमें हैं, और लास्ट पे फाइनल में हमेशा जो है ये पहुँच जाती हैं, और जो भी टीम टक्कर देगी जो अच्छा खेलेगी वही मैच जीत। हर गाँव में होने चाहिए, नामला में होना चाहिए, इस्लामाबाद में, उड़ी में होना चाहिए। इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो हमेशा ड्रग से दूर रहेंगे, जो गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे दूर रहते हैं बच्चे, तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। कि देखिए इंडियन आर्मी जो है वो हमेशा नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, ताकि अब देखें आज जो है बच्चे जो हैं बुरी चीज़ों में जो इंडल्ज हो गए हैं, जैसे ड्रग्स को लेके चले हम, ये हर जगह देखा जाता है। तो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो इंडियन आर्मी करवाती है, तो इससे जो है बच्चे जो है बिजी रहते हैं और गलत एक्टिविटीज़ में नहीं जाते हैं, इसलिए हम इंडियन आर्मी का थैंक यू करना चाहेंगे और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमेशा हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे हम बिज़ी रहते हैं और गलत एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाते हैं। और हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट किए जाएंगे ताकि बच्चे अपने टैलेंट भी दिखाएं और बिज़ी भी रहें और गलत एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाएं। सर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं क्या वहाँ पे भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि हर जगह पे ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि दूर दराज के इलाकों के जो लोग हैं वो उनका भी जो है टैलेंट सामने आना चाहिए। ये अच्छी बात है, बोनियार में एक टूर्नामेंट हुआ, नामला की टीम आई, हम चाहते हैं कि नामला में भी ऐसा इवेंट होना चाहिए, इस्लामाबाद में, हर जगह होना चाहिए, ताकि इससे आर्मी का और सिविलियंस का जो है एक अच्छा रिलेशन बन के रहे। जैसे आर्मी, इंडियन आर्मी का नारा भी है कि जवान और आम अमन है मकाम, तो ये इसी इन्हीं एक्टिविटीज से ऐसा रिश्ता जो है अच्छा मजबूत बनता है। जी मैं नामला से बिलोंग करता हूँ। तो आप बताइए, जो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने टूर्नामेंट किया है वॉलीबॉल का, आज इसका फाइनल होने वाला है, उसके बारे में बताइए। जी हाँ, मैं दोनों टीम के बारे में, पहले भी यहाँ पे बहुत सारे मैच खेले गए फाइनल, तो कटक का मुकाबला है, दोनों टीम स्ट्रांग है 50-50%। सबसे पहले हम इंडिया आर्मी का शुक्र ये अदा करना चाहते हैं, हमें इंडिया आर्मी ने इतने यहाँ पीछे जाते हैं उनसे दूर रखे, हमें टीम को यहाँ पे लाया और इंडिया आर्मी का जितना शुक्र किया जाता है उतना काम है। भाई आप कहाँ से? हाँ मैं नामला से हूँ। आपका यहाँ मैच है आज? हाँ आज मैच है यहाँ पर। क्या लगता है जो आज मैच आपका है बोनियर के साथ फाइनल है, इसके बारे में बताइए कि क्या लगता है मुकाबला कैसा होगा? देखिए आज तक यहाँ पर नामला और बोनियर के बीच में बहुत फाइनल हुए हैं पहले भी, तो दोनों टीमें जो हैं वो टफ है, हमेशा टक्कर का मुकाबला होता है। अब जो अच्छा खेलेगी वही टीम जो है वो जीतेगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि हमेशा यहाँ पर जो भी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं लास्ट पे जो है नामला और बोनियर की टीम जो है दोनों टफ टीमें हैं, और लास्ट पे फाइनल में हमेशा जो है ये पहुँच जाती हैं, और जो भी टीम टक्कर देगी जो अच्छा खेलेगी वही मैच जीत। हर गाँव में होने चाहिए, नामला में होना चाहिए, इस्लामाबाद में, उड़ी में होना चाहिए। इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो हमेशा ड्रग से दूर रहेंगे, जो गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनसे दूर रहते हैं बच्चे, तो हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं। कि देखिए इंडियन आर्मी जो है वो हमेशा नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, ताकि अब देखें आज जो है बच्चे जो हैं बुरी चीज़ों में जो इंडल्ज हो गए हैं, जैसे ड्रग्स को लेके चले हम, ये हर जगह देखा जाता है। तो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो इंडियन आर्मी करवाती है, तो इससे जो है बच्चे जो है बिज़ी रहते हैं और गलत एक्टिविटीज़ में नहीं जाते हैं, इसलिए हम इंडियन आर्मी का थैंक यू करना चाहेंगे और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि हमेशा हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे हम बिज़ी रहते हैं और गलत एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जाते हैं। और हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट किए जाएंगे ताकि बच्चे अपने टैलेंट भी दिखाएं और बिज़ी भी रहें और गलत एक्टिविटीज़ की तरफ ना जाएं। सर जो बॉर्डर एरियाज़ हैं क्या वहाँ पे भी ऐसे इवेंट्स होने चाहिए? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि हर जगह पे ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि दूर दराज के इलाकों के जो लोग हैं वो उनका भी जो है टैलेंट सामने आना चाहिए। ये अच्छी बात है, बोनियार में एक टूर्नामेंट हुआ, नामला की टीम आई, हम चाहते हैं कि नामला में भी ऐसा इवेंट होना चाहिए, इस्लामाबाद में, हर जगह होना चाहिए, ताकि इससे आर्मी का और सिविलियंस का जो है एक अच्छा रिलेशन बन के रहे। जैसे आर्मी, इंडियन आर्मी का नारा भी है कि जवान और आम अमन है मकाम, तो ये इसी इन्हीं एक्टिविटीज से ऐसा रिश्ता जो है अच्छा मजबूत बनता है।